तो इस सबसे बड़े मेगा ओपिनियन पोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। रिपोर्ट आपने देख ली, सबसे बड़ा सैंपल साइज है हमारा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा दें। पुनीत लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, ग्राफिक के जरिए बहुत बारीक तरीके से वो आपको समझाएंगे। इसके अलावा आवाम भी जुड़ेगी। मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। संजय राणा साहब बहुत स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार उपदेश अवस्थी जी। इसके अलावा घनश्याम पेरोनिया साहब पूर्व विधायक हैं आप बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेरोनिया साहब का भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ बैतूल से कांग्रेस के प्रत्याशी रामू टेकाम जी भी जुड़े हुए हैं। रामू जी बहुत स्वागत है आपका। सौरभ नाटी शर्मा होंगे प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के, शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत। और साथ ही दिल्ली की हर सियासी हलचल की अपडेट देने के लिए इस मेगा ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देने के लिए पवन गौड़ भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी हम जो तमाम लोग हैं जिनसे हमने आपका तारुफ करवाया, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे साथ वक्त वक्त पर जुड़ेंगे, उनसे भी तत्काल रिएक्शन लिया जाएगा। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले जानिए क्या है जनता की राय, कुछ ही देर में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। क्या है देश प्रदेश की जनता का मूड, थोड़ी देर में ये हो जाएगा साफ। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल, 11 भाषाओं में ये मेगा ओपिनियन पोल हुआ है, 1,00,000 से ज्यादा सैंपल साइज इसका है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर मेगा ओपिनियन पोल, कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा क्या है देश प्रदेश की जनता का मूड। और अभी जनता क्या सोच रही है, क्या है मूड, एक्यूरेसी के साथ हमने ये पूरा सर्वे कंडक्ट किया है, तरीका क्या रहा, किस तरह सवालों की सीक्वेंसिंग हुई, सब कुछ हमने आपको बताया। तो न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल, कुछ देर बाद स्थितियां लगभग क्लियर होने लगेंगी और कौन कौन हमारे साथ जुड़ा वो भी हमने आपको बताया। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बनी रहेगी, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। ये बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सवालों का सिलसिला भी अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहां पर संजय जी बड़ा सवाल ये है कि जनता का मूड समझने के लिए पूरा सर्वे किया गया है, जिसके हक में जाता है वो कहता है कि वाह जी वाह बहुत अच्छी तस्वीर है, जिसके हक में नहीं जाता वो कहता है कि अरे इंतजार कर लीजिए। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं सर्वे की, तो सर्वे चाहे कोई भी कंपनी करा रही हो, कोई भी एजेंसी करा रही हो, सोच बूझ के करती है। जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि न्यूज़ 18 का, तो न्यूज़ 18 का जो सैंपल साइज होता है, जो उनका सर्वे करने का तरीका होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। एजेंसी और बड़ी कंपनियों में यही डिफरेंस है और इस पे ही डिपेंड करता है जनता के मूड। जैसे आपका सैंपल साइज 1,00,000 का, लोग 2,000-3,000 में सैंपल साइज निकाल लेते हैं, उससे अंक गणित कर लेते हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है और जिसने भी आंकड़े लिए जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो न्यूज 18 ने अगर जो कुछ काम किया है और उसके किसी के पक्ष में आएगा, किसी के विपक्ष में आएगा, लेकिन हाँ, जो पार्टी ने अगर काम किया पढ़ना जमीन पे, धरातल पे, जनता के लिए, समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको उसके तरफ लोगों को जनता का रुझान होगा और उसमें कोई बुरा नहीं माना चाहिए। अगर जिसने काम नहीं किया तो उसको काम करने की जरूरत अभी भी। बिल्कुल राणा साहब आपके पास आएंगे, लेकिन अब जरा एक एक करके सवालों के सिलसिले का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मेगा ओपिनियन पोल में हमने जो पहला सवाल लिया है वो है कि आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, और अब सवाल आपकी स्क्रीन पर, 56% आप किन तीन बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे, यह है सबसे बड़ा सवाल। क्या इस सवाल के आंकड़े आते हैं, थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर सामने होंगे। लोग कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मुद्दों को कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लोग, इसको लेकर अब जवाब थोड़ी देर में आपके सामने होगा। पहले जरा आंकड़े भी आपको बता देते हैं। तो 56% लोगों ने कहा है कि रोजगार उनके लिए बेहद जरूरी मुद्दा है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे। इसके अलावा महंगाई एक मुद्दा, 47% लोग मानते हैं कि हाँ महंगाई है और महंगाई के मुद्दे को लेकर जब वो मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे उनके दिमाग में खटखट करेगी महंगाई। लॉ एंड ऑर्डर, जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को भी 46% लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए वोट डालने की बात कही है। तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप, जब ये सवाल पूछा गया तो ये तीन मुद्दे, रोजगार को लेकर 56% लोग ऐसे जब बटन दबा रहे होंगे तो रोजगार उनके दिमाग में होगा, 47% ऐसे जिनके दिमाग में महंगाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, 46% लोग ऐसे। तो पहले नंबर पर रोजगार रहेगा लोगों के ध्यान में और उसके बाद ही वोट पर डालने वो पहुंचेंगे, सेकंड नंबर महंगाई, थर्ड नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे। तो इन तीन मुद्दों को लेकर जब वोटिंग होगी तो ये तीन लोगों के दिमाग में रहेंगे। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उपदेश अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवस्थी साहब,
रोजगार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महंगाई और तीसरे नंबर पर आ रहा है कानून व्यवस्था। जी प्लीज आपका कमेंट। सर न्यूज 18 ने पार्टियों की, दोनों पार्टियों की है, इस चुनाव में जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, सबका एक काम बड़ा आसान कर दिया है, ये निकाल के बता दिया है कि जनता क्या चाहती है। अब आप अपना कैंपेन, जो पार्टी इस चुनाव में इन उम्मीदों पर अपना घोषणा पत्र बना पाएगी, लोगों को कन्विंस कर पाएगी, वो पार्टी आगे निकल जाएगी। तो ये इतना अच्छा काम कर दिया है लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ यही जानने की कोशिश करती हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। आपने बता दिया कि पब्लिक क्या चाहती है, बिल्कुल क्लियर वो आ गया कि साहब इन तीन मुद्दों पर ही सरकार बनेगी। तो हमने राजनेताओं की, सियासतदानों की मुश्किल को आसान कर दिया है, उनके लिए होमवर्क हमने किया है और उनके पास अब रिजल्ट है कि उसे किस पर मेहनत करनी है। बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मेगा ओपिनियन पोल के अगले सवाल की। क्या है अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा है? तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन? हमने जो रखी है उसमें क्या जवाब निकलकर सामने आया है वो आपको बताते हैं, बेहतर नेता कौन है। लेकिन कैटेगरी क्या थी? ईमानदारी, मेहनत, मेरे जैसे लोगों की परवाह कर रहे हैं यानी आम आवाम की, और मजबूत नेता, भारत के लिए विजन क्या है और आंसर क्या आया? देखिए 73% लोगों ने नरेंद्र मोदी को ईमानदार माना है, जबकि 27% लोगों ने राहुल गांधी को ईमानदारी के मापदंड पर तोला है। मेहनत की बात कर ली जाए, 69% लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनती हैं, जबकि 31% राहुल गांधी के साथ हैं। लोगों की परवाह करने वालों ने 71% लोगों ने नरेंद्र मोदी को आगे रखा है, उनकी पसंद नरेंद्र मोदी, और 29% लोगों ने राहुल गांधी को उनके जैसे लोगों की परवाह करने वाला बताया है। मजबूत नेता की बात कर ली जाए, 67% सोचते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी मजबूत नेता है, जबकि 33% का ये मानना है कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता है। विजनरी कौन है, भारत के लिए किसके पास विजन है? 68% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना है कि उनके पास भारत के लिए विजन है, जबकि 32% लोगों ने राहुल गांधी को माना है कि उनके पास भारत के लिए विजन है। घनश्याम पिरोनिया जी, यहां पर हमने तमाम स्केल्स पर लोगों से जाकर सवाल पूछे हैं और रिजल्ट क्या आया आपके सामने? तीन महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको सोचते हुए जनता वोट डालने पहुंच रही है। बिल्कुल, आपने जो सर्वे के आधार पर जो हमारे जनमानस से पूछा और उनका उत्तर जो लोगों ने दिया है उस पर कहीं ना कहीं हम खड़े भी उतरेंगे और हमारे नेता भी खड़े।